आज दोपहर 1 बजे अचानक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी देशवासियों के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। खबर यह थी कि लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने एक आर्मी ऑफिसर समेत 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। उसके बाद यह खबर सामने आई कि चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि चीन अभी तक 1962 के सपने में ही जी रहा है और ये समझ रहा है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, भारत जवाब नहीं देगा। इसलिए तो चीन ने मई की शुरुआत में लद्दाख और सिक्किम दोनों बॉर्डर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, परंतु भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीन के सपने को तोड़ दिया है और ये याद दिला दिया है कि ये 1962 का भारत नहीं है बल्कि 2020 का भारत है। और यहाँ पर चीन की सबसे बड़ी चिंता है भारत का लद्दाख क्षेत्र दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क और उससे जुड़ी अन्य सड़कों का युद्ध स्तर पर निर्माण। चीन इन सड़कों के निर्माण से डरा हुआ है और इसलिए भारत पर दबाव बनाने के लिए पैंतरेबाजी कर रहा है। अभी चल रहे बॉर्डर विवाद पर ब्रीफिंग देते समय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन पक्ष गलवान वैली में LAC का सम्मान करते हुए पीछे चला गया था, लेकिन चीन द्वारा स्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश करने पर 15 जून को एक हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों पक्षों के सैनिकों की मौत हुई है, जबकि इससे बचा जा सकता था। वहीं चीन ने कोई भी सरकारी आंकड़ा जारी करने से मना कर दिया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारत अपनी मर्यादा में रहकर भी चीन को पटकनी दे रहा है। यही कारण है कि चीन अब अपने आप को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुका है। इसी के साथ बड़ी खबर यह है कि अब चीन को सबक सिखाने के लिए अब भारतीय इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कुछ बड़ा कदम उठा सकती है जिसे चीन शायद कभी भूल नहीं सकेगा। दरअसल यहाँ पर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने अपने सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वो चीन से इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इम्पोर्ट कम करें और इसके लिए भारत में ही उत्पादन को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और इस मामले में ये देखा गया है कि चीनी इम्पोर्ट के लिए भारत सरकार को इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ती है। यदि भारतीय इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स अपने स्तर पर चीन से इम्पोर्ट कम करने की कोशिश करें तो उससे अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। वहीं इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सचिव नागेंद्र मेहता ने कहा है कि हमें हाल ही में आर्टिफिशियल ज्वेलरी निर्माताओं और विक्रेताओं के साथ एक बैठक की थी। उन्होंने कहा है कि हमने उनसे चीन से आभूषण आयात बंद करने को कहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगों को वोकल फॉर लोकल होने के लिए कहा है, इसलिए हमने अपने सदस्यों से अपने विनिर्माण में तेजी लाने और नई तकनीक लाने का आग्रह किया है ताकि सस्ते चीनी आयात पर निर्भरता को रोका जा सके। और यहाँ चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान विभिन्न उद्योगों में कई ट्रेड बॉडीज द्वारा किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी चीनी आयातकों के बहिष्कार के अभियानों का समर्थन किया है। अब इससे ये साफ हो गया है कि चीन की मार अब चीन को ही पड़ने वाली है, क्योंकि अगर लद्दाख तनाव के बीच अगर इस इम्पोर्ट में कमी आती है तो चीन के सारे दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगेंगे।